घ सीख लिए। आज हम च सीखेंगे। क्या सीखेंगे? च। च से क्या क्या होता है पहले वो सीखते हैं। नेक्स्ट कार्ड। च से चम्मच। च से चम्मच। च से चूहा। देखो देखो यहाँ पे चूहा है, छोटा चूहा। और च से देखो ये लड़के ने अपनी आईज पर क्या लगाया है। यस, च से चश्मा। इसने लड़के ने चश्मा लगाया है। और यहाँ पे देखो क्या है। च से चरखा। चरखा चलाना गांधी जी को बहुत ही पसंद था। च से चरखा। चरखे में क्या बनता है? कॉटन में से धागा बनता है। और च से क्या क्या है देखो यहाँ पे। च से चटाई। च से चटाई, जो बिछाते हैं ना हम हमारे हाउस में, तो ये है च से चटाई। च से चरखा। च से चटाई। और यहाँ पे देखो क्या है। च से ये क्या है देखो देखो। यस, चांद। चांद जो स्काई में होता है ना, तो ये है च से चांद। यहाँ पे क्या है देखो। च से चप्पल, जो आप हाउस में पहनते हो ना घर पे, तो च से चप्पल। और यहाँ पे देखो और एक है च से चंपा। ये चंपा फ्लावर है। च से चंपा। और टीचर ने यहाँ पे कई सारे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करके रखे हैं। देखो 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 क्या है। च से चिड़िया। च से चिड़िया। च से चिड़िया। जैसे चाबी। चाबी, चाबी कहाँ पे होती है? लॉक के साथ होती है, लॉक ओपन करने में। ओके, और यहाँ पे देखो जैसे क्या है। चेहरा, जो हमारा चेहरा है उसका अक्षर पहले कौन सा है? च। तो जैसे चेहरा। और क्या है? जैसे चम्मच। जैसे चम्मच। और जो कि ये राइम भी बनती है, चलो वो सीखते हैं। चम्मच च च चांद का चम्मच च च च से चम्मच च च चांद का चम्मच च च च से चम्मच च च चांद का चम्मच च च। ये हो गई च की राइम। अब हम च राइट करना सीखेंगे। हाउ टू राइट च, चलो वो सीखते हैं। मेक अ स्लीपिंग लाइन, देन आफ्टर मेक अ को go up and make a standing line. और लास्ट में बनाएंगे swimming line। हम अगेन दोहराते हैं, हम फिर से दोहराते हैं। make a sleeping line, then after make a cow go up and make a standing line। ऊपर आएगी तो बहुत ही इजी है। चलो अब हम एयर ब्रशिंग करेंगे। अपनी फिंगर पेंसिल निकालो। ये मेरी फिंगर पेंसिल है, आप अपनी फिंगर पेंसिल निकालो। मेक अ स्लीपिंग लाइन, देन आफ्टर मेक अ कर्व गो अप एंड मेक अ स्टैंडिंग लाइन। ऊपर आएगी स्लीपिंग लाइन। हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे। मेक अ स्लीपिंग लाइन, देन आफ्टर मेक अ कर्व go up and make a standing line। और ऊपर आएगी sleeping line। ये हो गया हमारा चौक। अब हम नोटबुक में राइट करना सीखेंगे। नोटबुक में हम कैसे लिखते हैं वो तो आपको पता ही है। नोटबुक में हम डबल लाइन में लिखते हैं। चलो हम नोटबुक में सीखते हैं। Let's start। Make a sleeping line, then after make a cow go up and make a standing line। ऊपर आएगी sleeping line। हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे, जो राइट करेंगे। चलो make a sleeping line, then after make a cow go up and make a standing line। और ऊपर आएगी sleeping line। ऐसे ही हम चौक की प्रैक्टिस करते जाएंगे। make a sleeping line, then after make a cow
हम चौ की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारा चौ बहुत ही अच्छी तरह से बनता जाएगा, हमारी राइटिंग भी ब्यूटीफुल होती जाएगी। देखो ये हो गया हमारा चौ। चौ के बाद हम क्या आएगा वो आगे सीखेंगे। चौ के बाद क्या आता है? छ। तो अब हम छ सीखेंगे। पहले हम छ से क्या क्या होता है वो सीख लेते हैं। छ से छाता, छ से छाता, छ से छे, छे यानी कि नंबर सिक्स, छ से छे, और छ से छत्ता, छत्ता यानी कि हनी बी जो होती है उसका जो हाउस होता है ना उसको हिंदी में छत्ता कहते हैं। और छ से यहाँ पे देखो यहाँ भी छत्ता है, छ से छत्ता, छ से छल्ली, और छ से छाता, और यहाँ पे है छ से छड़ी, दादाजी की छड़ी, ये है छ से छड़ी, और यहाँ पे है देखो 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 छ से और भी एक छाता है, छ से छाता, और छ से छात्र, छात्र मीन्स विद्यार्थी स्टूडेंट, उसको हिंदी में छात्र कहते हैं। छात्र का जो पहला अक्षर है वो छ से शुरू होता है। इस तरह से छ से सभी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं। और भी टीचर ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करके रखे हैं, चलो वो सीखते हैं। यहाँ पे देखो छ से छत, हमारे घर की जो छत होती है ना वो भी छ से शुरू होता है। और यहाँ पे है छ से छन्नी, छन्नी तो आपने देखी होगी किचन में। और यहाँ पे है छ से छाता, और है छ से छिलका, बनाना की जो पील होती है ना उसको हिंदी में छिलका कहते हैं, छ से छिलका। ये हो गया हमारा छ। अब हम छ की राम सीखेंगे। छ से छाता छ छ छ, छोटा छाता छ छ छ, छ से छाता छ छ छ, छोटा छाता छ छ छ, छ से छाता छ छ छ, छोटा छाता छ छ छ, छ से छाता छ छ छ, छोटा छाता छ छ छ। ये हो गई छ की राम। अब हम छ राइट करना सीखेंगे। हाउ टू राइट छ, चलो वो सीखते हैं। मेक अ कप, देन आफ्टर मेक अ अगेन कप, गो अप 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 अप, देन मेक अ स्मॉल सर्कल, और ऊपर बनाएंगे छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, और लास्ट में आएगी स्लीपिंग लाइन। हम फिर से दोहराते हैं। मेक अ कप, उसी कप को जॉइंट करके हमें पेंसिल उठानी नहीं है, वापिस दूसरा कप बनाना है। गो अप, गो अप, एंड मेक अ सर्कल, ऊपर आएगी छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, सबसे ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हो गया हमारा छ। छ इज वेरी इजी। अब हम एक्सप्रेशन करेंगे। चलो टेक आउट योर फिंगर पेंसिल, ये मेरी फिंगर पेंसिल है, हम फिंगर पेंसिल से एक्सप्रेशन करेंगे। मेक अ कप, देन आफ्टर मेक अ अगेन कप, गो अप अप अप, एंड मेक अ सर्कल, और ऊपर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, सबसे ऊपर स्लीपिंग लाइन आएगी। हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे। मेक अ कप, देन आफ्टर मेक अ अगेन कप, गो अप एंड मेक अ स्मॉल सर्कल, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। ये हो गया हमारा छ। अब हम नोटबुक में राइट करना सीखेंगे। हमने इसके पहले भी ऐसी डबल लाइन में क ख ग घ च लिखे थे, ऐसी ही हम डबल लाइन में नोटबुक में लिखते हैं। हिंदी हम ऐसी डबल लाइन में लिखते हैं। तो चलो अब हम नोटबुक में राइट करना सीखेंगे। हाउ टू राइट नोटबुक, नोटबुक में हम कैसे लिखेंगे, चलो वो सीखते हैं। मेक अ कप, देन आफ्टर मेक अ अगेन कप, गो अ
तो हमारा च बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगा। देखो ये बन गया च। अब हम आगे का अब सीखेंगे। आभार।